गाइस व्हाट्स अप, सुमित दिस साइड, वेलकम बैक टू द वीडियो, वेलकम बैक टू द वर्क। देखो, मैं कुछ दिन से वीडियो बिल्कुल नहीं बना पा रहा था। इसका रीज़न यही है कि पिछले साल, आई मीन 2022, अभी देखो अभी हो रहा है, मैं बता देता हूँ। पहले अभी है लगभग 2 बज चुके हैं और अभी जाके थोड़ा दुकान खाली हुआ है, बिल्कुल खाली हुआ है। नहीं तो बहुत ज़्यादा मतलब कस्टमर होता क्या है। देखो, अगर इस महीना थोड़ा गैप जाएगा, ज़्यादा सेल डाउन जाएगा, तो अगले महीना ना उसका भरपाई होता है। ये मैंने देखा हुआ है, ज़्यादातर यही होता है। तो 2022 के दिसंबर नवंबर बहुत ज़्यादा डाउन गया था, मार्केट बिल्कुल ख़राब जा रहा था। तो जनवरी आते ही 1 तारीख से बहुत मतलब पूरा सेल जो है वो कवर अप होता है, और सेल भी हो रहा था, वॉक इन कस्टमर भी ज़्यादा था। और जैसे कि देख रहे हो, हम लोग यहाँ पे ऑर्डर भी प्रोसेस कर रहे हैं, तो पूरा मिला के टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था कि एक वीडियो मैं आप लोगों को बनाऊं। प्रियांशु मुझे बार बार इंस्टाग्राम पे भी बोल रहे थे कि आप वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ। मैं भी वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन अगर आप दुकान का हालत देखोगे ना, चारों तरफ देखो मेसी होकर रखा है। हम लोग कुछ मैनेज भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम 2 ही बंदे हैं अभी दुकान चलाते हैं, सुबह से लेकर शाम तक। रात को तो मैं और काम करता हूँ, लेकिन जितने टाइम यहाँ पर रहता हूँ, बिलिंग और कस्टमर सर्विस में ही पूरा टाइम चला जाता है, तो कैसे वीडियो बनाऊँ। तो फिलहाल एक मैं वीडियो बनाता हूँ। बहुत सारे लोगों का एक क्वेरी है कि अगर हम लोग एक शैम्पू पाउच बेचूँ, या फिर एक मैच बॉक्स बेचूँ, या फिर हम लोग कैंडी बेचूँ, तो इस सारे चीज़ों को हम लोग सॉफ्टवेयर पर क्या एंट्री करेंगे, या फिर इन सारे चीज़ को हम लोग सॉफ्टवेयर में एंट्री ना करें, ऐसे ही कर दें। देखो, अगर आप बिलिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, तो आप हर एक चीज़, छोटे से छोटे चीज़ को आप बिलिंग सॉफ्टवेयर पे एंट्री कर सकते हो। आपको वैसा ही सॉफ्टवेयर लेना है जो इसका कैपेबल है। अगर ऐसा कोई सॉफ्टवेयर ले रहे हो, ऐसा कैपेबल नहीं है, या फिर ऐसा कोई सॉफ्टवेयर है जिसे इतने सारे छोटे छोटे ट्रांजेक्शन करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो वो वाला सॉफ्टवेयर आप मत लो। सिंपल है। हम लोग जितने भी सामान यूज़ करते हैं, सामान बेचते हैं, चाहे एक छोटा सा मैच बॉक्स ही क्यों ना हो, या फिर छोटा सा कैंडी क्यों ना हो, हम लोग बिलिंग सॉफ्टवेयर पे एंट्री करते हैं और उस पर इन्वेंट्री मैनेज करते हैं। आपको इन्वेंट्री पाई टू पाई मैनेज करना है, ए टू जेड इन्वेंट्री मैनेज करना है, तब जाके आप जो मतलब ये बिजनेस करने में तब जाके मज़ा आएगा आपको। अगर आप छोटा सा काम डेली करोगे ना, डेली रूटीन जैसे करोगे, तो आपको ये बिजनेस करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, उतना हेडेक नहीं आएगा। सिस्टम आपको सब कुछ करके दे देगा, क्या सामान लाना है, क्या सामान एक्सपायर होने वाला है, कौन सा सामान किसको ऑर्डर करना है, सब कुछ। तो यही चीज़ है, कितना सामान पड़ा हुआ है, कितना प्रॉफिट है, लॉस है। तो आज मैं आप लोगों को ये दिखाने वाला हूँ कि हम लोग कैसे ये छोटे छोटे चीज़ को एंट्री करते हैं। ये है कैंडी, ये है मैच बॉक्स, ये देखो ये एक पैंटीन का शैम्पू पाउच है, इस पर तो बार कोड है। तो अगर हम लोग एंट्री करेंगे, देखो इसको मैं एंट्री कर रहा हूँ, जैसे मैं इसको स्कैन करूँगा ना, स्कैन करूँगा तो देखो पैंटीन शैम्पू 2 रुपये वाला आ गया। जितना क्वांटिटी होगा हम उसका क्वांटिटी ऐड कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग एक होलसेल प्राइस सेट करके रखा हुआ है, इसको हम 2 कर देते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इसको बिल कर दिया। अगर मैं इस एम मैच बॉक्स को करता हूँ, इसके लिए इसके पास देखो कोई बार कोड है ही नहीं, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे। जैसे हम लोग इसको ख़रीदा हुआ है ना, उसी तरीके से हम लोग इसको बिल कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये कुछ अलग तरीके से ख़रीदा हुआ है, अलग तरीके से बिल का, ऐसा नहीं है। जिस तरीके से हमने ख़रीदा हुआ है, उसी तरीके से हम लोग बिल करेंगे। तो एम मैच बॉक्स, तो इसका मैंने कोड बना के रखा हुआ है। तो कोड बहुत सारे छोटे छोटे सामान होता है जिसका कोड हो सकता है कि आप भूल जाओ, लेकिन क्या कि मैंने करके रखा है। ये देखो एम मैच बॉक्स के लिए 1 रुपये का है, 01, और ये माइनस हम लोग जैसे प्रेस करते हैं, ये देखो ये कोड यहाँ पर आया, और जैसे एंटर करेंगे यहाँ पर आपको दिखेगा कैंडी, ब्रू कॉफ़ी, किनिक प्लस, ये देखो मैच बॉक्स आ गया। तो जैसे एंटर करते हैं और 2-3 दफ़ा इसको डाउन एरो से नीचे लाते हैं और एंटर करते हैं। कितने लिया है, अगर कोई 4 पीस लिया है तो 4 पीस, 10 पीस लिया है तो 10 पीस, ऐसे हम लोग कर देते हैं। उसके बाद अगर ये कैंडी, वैसे कैंडी भी हम लोग ऐसे ही करते हैं कि क्या करेंगे, कैंडी के लिए भी 01 हम लोग प्रेस करते हैं, माइनस प्रेस करते हैं, और सॉरी 01 या हुआ नहीं, 01 और हाइफ़न या फिर माइनस जो भी आप बोलो एंटर करोगे, देखो कैंडी आ गया। तो इस तरीके से हम लोग, ये देखो पार्ट नंबर हम लोग कैसे रेडी करके रखा हुआ है, वैसे हम लोग कैंडी भी किया। और अगर मान लो कि ये 5 क्वांटिटी में कोई लेता है और टोटल हुआ 25 रुपीज़, 50 रुपये किसी ने दिया हुआ है, और जैसे हम इसको प्रिंट करेंगे तो कैश ड्रॉअर खुल जाता है। और यहाँ पर देखो
इस तरीके से ये निकल जाता है। तो इस तरीके से हम लोग सारा बिल वगैरह करते हैं। तिप्पन 53 100 रुपये का बिल्कुल नोट नहीं है, क्योंकि अभी कुछ दिनों से छुट्टा का बहुत शॉर्टेज चल रहा है। तो बिल बनाने के लिए अगर आप छोटे चीज़ को बिल करते हो तो इस तरीके से हम लोग करते हैं। आप अपने बिलिंग सॉफ्टवेयर पे देख लो किस तरीके से कोड क्रिएट किया जाता है या फिर क्या क्या सोल्यूशन है, उस हिसाब से आप करो। लेकिन मैं यही बोलूँगा, आप अगर बिलिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो तो उसका फ़ायदा पूरा उठाओ, उसका पूरा कंप्लीट उसका यूज़ करो। छोटे से छोटे चीज़ को भी आप वहाँ पे बिल कर सकते हो, एवरीथिंग कर सकते हो, तब जाके ना आप बिलिंग सॉफ्टवेयर का मतलब असल जो ओरिजिनल मज़ा है वो ले पाओगे। तो यही है, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस तरह के बिजनेस रिलेटेड सॉल्यूशन के बारे में मैं ये पे वीडियो बनाने वाला हूँ। अगर आप नए देख रहे हो इस चैनल पर, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।